गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा, कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा समाप्त हो चुकी हैं और अब कक्षा 9वीं और 11वीं के एग्जाम चल रहे हैं। इसी बीच एमपी बोर्ड ने एक लेटर जारी करके कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए राहत भरी खबर दी है। प्रैक्टिकल एग्जाम के गलत नंबर सुधारने का मौका है वह 31 मार्च तक के लिए दे दिया गया है। इसके लिए एमपी बोर्ड ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है, जिसकी तारीख आप देख सकते हो, 15 मार्च को ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इस विज्ञप्ति में देखिएगा, यहाँ पर क्लियर कट क्या क्या बताया गया है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गाइस, आपकी जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो देखिए 25 मार्च और 20 मार्च तक चलने वाली हैं। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, आंतरिक मूल्यांकन एवं पर्यावरण अध्ययन में त्रुटि सुधार की सुविधा संबंधित संस्था के लॉगिन पर उपलब्ध रहेगी। प्रायोगिक परीक्षा के अंकों में त्रुटि सुधार केवल एक बार सुविधा जिले की समन्वय प्राचार्य के लॉगिन में उपलब्ध रहेगी। त्रुटि सुधार हेतु बाह्य परीक्षक एवं संबंधित संस्था का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। तो देखिए गाइस, इसका मतलब क्या है, अगर आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपको नंबर दे दिए गए, अगर उन नंबरों में कोई त्रुटि हो गई है, उन नंबरों को सुधार करना है। जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल हुआ 30 नंबर का, उसमें से आपको 18 नंबर दिए गए, लेकिन ये 18 नंबर गलत दिए गए, आपके मान लीजिए टोटल बन रहे 23 नंबर, तो यहाँ पर इस नंबर में त्रुटि हो गई, तो अब आपको ये 23 नंबर अपडेट करने के लिए इस बार एमपी बोर्ड ने क्या किया, प्रैक्टिकल के जितने भी नंबर से वो ऑनलाइन अपडेट करने हैं। तो अगर 18 नंबर से 23 नंबर करना है तो सिर्फ आपके अंकों को एक बार अपडेट किया जा सकता है, वो भी आपके स्कूल की प्रिंसिपल की लॉगिन आईडी पर सिर्फ एक बार आप अपडेट करवा सकते हो। अगर उसमें भी कोई गलती से मान लीजिए 23 की जगह अगर 20 नंबर रह जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो दोबारा उन अंकों में अपडेट नहीं किया जाएगा। एमपी बोर्ड ने ये यहाँ पर ऑफिशियल लेटर जारी करके बता दिया गया है। और इसके लिए यहाँ पर जो आपके परीक्षक आएंगे उनकी और आपके संबंधित संस्था के प्रिंसिपल हैं उनका प्रमाण पत्र भी आवश्यक रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बेस्ट ऑफर के बारे में बता दूं। गाइस, डेली शाम को 6 बजे IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज चल रही है। मात्र सीरीज में पार्टिसिपेट करने पर ही टॉप 50 लकी विनर्स को सरप्राइज गिफ्ट दिए जाएंगे। गाइस, इतना ही नहीं, MCQ क्रैश कोर्स फॉर JEE मेन 2022, अर्ली इवॉल्व बैच फॉर JEE मेन एंड एडवांस 2023 एंड अर्ली इमर्ज 2.0 बैच फॉर JEE मेन एंड एडवांस 2024 के छात्रों के लिए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। इसके साथ ही गाइस, अभी अनअकैडमी पर 40% का ऑफ चल रहा है। 3 महीने, 6 महीने और 18 महीने के सब्सक्रिप्शन लेने पर प्राइस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ ही IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए बड़ी न्यूज है, 33% का भी ऑफ चल रहा है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 33% ऑफ के साथ आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा गाइज। और अगर आप मेरा कोड PH1 यूज करते हो तो 10% और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरा कोड PH1 डालना बिल्कुल मत भूलना। देखिए विषय संबंध, इसके बाद देखिए जैसे ही ये लेटर जारी किया गया तुरंत न्यूज़ में यहाँ पर आप देख सकते हो, पीपल संवाददाता भोपाल ने एक आर्टिकल यहाँ पर छाप दिया। अभी मैं इस आर्टिकल को आपको सुनाता हूँ, इसमें क्या बताया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया कि नियमित छात्रों को 12 फरवरी से 25 मार्च और प्राइवेट छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी 17 फरवरी से 20 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। केंद्रों एवं संस्था द्वारा आंतरिक मूल्यांकन में ऑनलाइन गलत प्रविष्ट होने के पत्र मंडल को प्राप्त हो रहे हैं, यानी आंतरिक मूल्यांकन एवं पर्यावरण अध्ययन में गलती सुधार की सुविधा संबंधित संस्था के लॉगिन में केवल एक बार उपलब्ध रहेगी और प्रायोगिक परीक्षा के अंकों में गलती सुधार की सुविधा जिले की समन्वय संस्था के प्राचार्य के लॉगिन में उपलब्ध रहेगी। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो ऑनलाइन अपडेट किए जा रहे हैं तो उनमें गलतियां यहाँ पर बोर्ड को देखने को मिल रही हैं। इसलिए बोर्ड ने यहाँ पर ये फैसला लिया है कि गलतियों को सुधारने का एक मौका दिया जाएगा, जिससे छात्रों के अंक सही सलामत अपडेट कर दिए जाएँ।